मतलब पति पत्नी रहेंगे, सात लड़का रहेंगे, छो लड़का के शादी में कह दिए, छोटा वाला लड़का हमने बहुत बुलाया, उनके हम तारी कहीं कि हम इनके शादी न करवाए, तो करत तो बहुत बड़े घर में कर रहे जहाँ करत कि मतलब वो अच्छे से सब चीज रहा तो कहीं कि अब जो सब लोग देखी हम सबको वापस कर दे कहा अपने लड़का का शादी ना करें, अरे अपने लड़का की शादी ना करें सब तो वापस चले जाए सब लोग, एक ही दिन गाँव के सभी लोग कहा कितने दिन अपने लड़का की शादी ना कर रही है, ये चक्कर कहीं छः जनी आई हैं अब वापस गए हैं और उन्हों को लाई उन्हों बनी आप हम अपने बेटा की शादी ना कर रहे हैं, जब एक जने आए तो माता जी आप कितने दिन तक शादी ना करनी पड़ी है बताओ, शादी कह लो तो उनके जो उनका कुटुंब रहे वे कहें कि अरे करो शादी जैसे अच्छा दिन अब होती है सतह वो कोई नहीं जाता वही तो बताई हाँ फिर अच्छा शादी वादी हो गए आई बहुत सुंदर बहुत सुंदर रही अपन शादी वादी कई दिन आए तो अपन सबके सेवा वो इतनी अच्छी रही कि सबके जिठाने उनके पैर दबावे सबके सास के और सबके सेवा अरे एक साल बीत गया दो साल बीत गया उनके लड़का बच्चा नहीं हुआ और छोटी वाली जो नौरिया जी उनका सास बहुत मया तो रही अब जो चीज लाया मैं बाजार से कोई चीज ला मैं छुट्टों का खवा पिया दे रही थी तो जो छह जने दिन में चले लाई ज्यादा दुलारी लगी है तो पिया भी नहीं करती थी और इतनी दुलारी लगी उनका कोने में जाए खवा दे हर चीज तो अब सब जनी उनका मतलब देवामी अपने ताना मारा लगी दो साल में क्या लड़का बच्चा नहीं है बढ़ नहीं रही है फिर सास का अपने घर टावे लगी कुछ दिन तो सास नहीं बढ़ी फिर सासों भड़क गई थी सही बात क्या है तेरी रुपये का बच्चा और लड़का बच्चा इनके नहीं होता लागत है ऐसे रही है नहीं मिला तो अब छह लड़का बच्चा का खाना पीना हर चीज करे सारा दिन कुछ दिन रात रात का उनके आदमी को घर का आए दिन अब उनके आदमी कहाँ जब तुम्हें लड़का नहीं हुई तो हमारे वंश ना चले और तो कोई काम के नहीं ना कुछ दिन अपन रोए गाँव आए अपन सोचा था मैं हंसा पढ़ाई करो तो मैं एक दिन शाम का बैठी हूँ कहीं कि कल से हम कुछ न कर रहे काम धाम करा काम धाम करके न खा न पिए जाप रही खेती में खेत में जाए तो रोज बैठ जाओ मैं फिर समझा का अगर फिर उनकी बोली ना सुनो सब तो बोली सुनो सुनो तुम्हारा काम पक गया है रोज निकल के चली जाए सुनवा पे एक शीतला मैया का मंदिर तो वहाँ से एक मतलब है शीतला मैया का मंदिर वहाँ यार बकुला जो बकुला में बहुत सारे बदल रहे कर रहे हैं तो उनसे कि रोज नहीं तो बस एक बकुला तो बूढ़ी बुक बकरी रही वो निकली तो कहीं तुम बकुला के साथ उनका जो मार कर दे और उनका क्या बताएंगे तुम बताओ उसके मुख में संकट कुछ काट देगी तो कहीं कि क्या बताएंगे तो उनका फिर बहुत कहा था बताने कहीं कि हमने लड़का बच्चा भी ना हमने मतलब सब जिन्हें ताना मारे थे सासों ताना मारे ससुरों अभी तक बहुत नया था अब हमारे आदमी को ताना मारने ला रहे हैं तो कहीं ऐसा क्यों किया ऐसी जो हमारी जो मंदिर है वहीं पर जाएगी और सामने लगा मान लियो और तुम घर जाओ मेरे हमारे लड़का बच्चा दी तो कहीं कि हमारा जाए तो मंदिर में मगर कहा कि हम हमारे घर जा देंगे और घर में आप मतलब कर दें घर आई आप खुशी खुशी सब खाना पीना होंगे कहीं राजे कर बहुत ज़्यादा खुशी है मैं रोज तो मार रोवत रही हूँ फिर ताना मारी वाली तो कुछ नहीं बोली अपन खाएं पी अपन कुछ दिन होते करते बीता तो उनके उल्टी बोल लगी उल्टी बोल लगी तो जठानी ने नहीं देखा फोन करे लगी हमें लड़का बोल वाला है और ये मतलब उल्टी करती है इनको तो सास उनके कहीं क्या भाव भैया कहीं कुछ नहीं है मैं उल्टी बोल रही हूँ तो कहीं लागत है थोड़े कुछ वो है कहा तो ऐसा है बात से कुछ चिंता नहीं अभी अच्छा जमी करी मैं बहुत दिन आराम कर रही हूँ अब वही कमरे बैठी हूँ अपन अच्छा जमी करी मगर फिर वो उठ के अपन सारा काम करें पीछे सास का देखा ना छो जनी काम कर जुट जाए और जैसे सास बाहर निकले वैसे छो जनी बैठ जाए खर्चा खूब काम कर फिर अपन नए काम करने लगे धीरे धीरे होते करते होते करते होते दर्द से कुछ नहीं होता दर्द से कुछ नहीं नहीं जेठानी निकले कभी दीदी हमारे दर्द होता है तो कहीं कि बहुत उन दर्द हम करते जा दर्द होता है जा अपन देखा सास से कहीं तो सास गाँव चमारी में नाव उनका सबका बुलाई बुलाई अपन अंदर गई और उनके दर्द हुआ दर्द होने के बाद उनकी पैदा बकुली बकरी पैदा था तो कहीं कि अब उससे कहीं वो जगह पैदा था वो उनसे नाम से उनसे कहीं चमारी से कि बाहर ही उसे बताई जी हमने बकरी पैदा भैया कहीं इतने दिन बाद भगोगे तो बकरी पैदा करें यहाँ हम तो घर से निकाल देंगे तो अगर कौन ढेर सारा पैसा वैसा दे रहा था पैसा वैसा दी राजा महाराजा खड़े करावे नहीं भाई को पैसा ना मिलते दी अब लेके अपन चली गई कहीं तो कहीं कि कहा हुआ कहा हुआ कहीं कि ऐसा है हम पंडित से भिजवाए हैं और पंडित कहीं आए कि जब तक मतलब बरहन हो जाए तब तक बताए ना कहा है तो कहीं ठीक है नहीं बिटिया भैया है तो कहीं ठीक है
कहीं दिखाए तो कहीं नहीं बढ़ाओ मुझे वही तो दिखावा चाहिए। जब बढ़ाओ हुआ तो फिर कहीं तो कहीं पंडित कहीं हाँ किसी दिन जो मूड़न हुई तब दिखाए। अब मतलब सब जने कहा कि इतने दिन भाग भाए कम से कम दिखाए जाए दिखाए कहीं पंडित कहीं हाँ किसी दिन ठीक है किसी मूड़न हुई है किसी मूड़न भीतर बुलाए कि ना और का ना उनका मूड़नों कराए हर चीज कहीं भगवान अपना जवाब दे सबसे। तो फिर उनका उनका बुलाई और कहीं कि ऐसा है हमारे बुढ़िया अंतर बकरी में पढ़े जाएगा लिखेगी भाई नहीं पढ़ेगी तो लिखेगा अंदर है जा सबसे कह दिया जो बुला हाँ। तो फिर बाहर निकली तो कहीं कि अरे आप तो दिखाया गया बारह हुई गया मूड़न हुई गया सब चीज़ हुई गया तो कहीं अभी उन्होंने दिखाया जाएगा जो ब्याह हुई वही इकट्ठा देखी कहीं ठीक है उनके कपड़े की बिटिया बड़ी हो गई 18 साल हो गई है बकरी तो बुलाई उनका चलो कहीं अम्मा जाऊँगी उनका उनका बुलाए और जिनके नाम उनका बुलाए के ले आई तब हम अपन बिटिया तो का दिखाओ उनका बुलाई उनकी ऐसा करा हमने बिटिया उनका बेटे बकरी बड़े कहूँ बड़ ढूंढा खूब बड़े घर में ढूंढे कि जहाँ मतलब कि हमने बिटिया का अरे का बकरी तो कुछ रुका है ना अरे ठीक है हम गई बार देखी करी वही ढूंढी फिर मंजिल मकान के ले आई। जो बारात आई तो सीधे वे जो मकारी गई मैं बकरी उनका राजा का अंदर बुलाए लाई और कमरा के अंदर बुलाए के कहीं भैया देखा हमने बकरी है यही भय है यही से बाहर ब्याह हुई तो कहें हम ब्याह तो न करो बकरी के साथ तो कहें कि काहे न करो भैया आप तुम्हें किस्मत में नहीं लिखी रही नहीं तुम्हारा ब्याह तक हो ही जाता है ब्याह कह दिया अच्छा उनका बहुत समझा कहें अच्छे बताओ वहाँ भैया मान लो ब्याह कह देगा तुम्हें हमारी बात का कहाँ जवाब दे कहें तू ले जा तुम्हारा कमरा कहाँ है कहें हमारा कमरा तो ऊपर है कहें वही मैं सीधे उतार वही अंदर रखे नहीं कहा ले गया। अब मैं उनके सास भाई आरती वारती करी तो पढ़ा रहा है बैठा हम ले गए अंदर तो सपने कहें कि अरे दुल्हन को दिखाया जाए कम से कम तो राजा कहें कि दुल्हन नब्बे न दिखाओ एक महीना अब एक महीना की जमा तारी उनके राजा की तारी जमी तो ये कहीं कि उनका हम रोज खाना पहुँचा दी उनका मैं खा के देख रहा पकड़ी हाँ इधर कुछ करा थी न धरा ही ऐसा करा ही गेहूँ पीसे ही अपना गेहूँ बचा इनका ज़्यादा है और पैदा पीस तो अब वो भगवान के रूप रहा कहीं भले बकली बनी रही भगवान के रूप रही मैं कहा कहीं कि राजा से नहीं पहुँचा रहा राजा रानी सब निमंत्रण चला गया गेहूं चला गया तैयार चला गए तो कमरा में बाहर से दरवाजा बंद कहें तो खाए बाहर खाना रख गई खाए गेहूँ मन कर रही बाहर जी भी तुम्हें सब देख नहीं है तो कहीं ठीक है ऐसा नहीं कर रहे अंदर बैठी नहीं एक खिड़की है खिड़की में जाती वाली खिड़की नहीं गए अपन बढ़िया खाए पी के अभी जोर पर बैठी हुई थी नहीं बिल आ रहा है उनके पखना अपना अपना रोज जाई तो उनके शरीर में कपड़ा खाइए वही पखना से कपड़ा रहा उनके सब फट हुआ तो मैं मेरे वस्त्र बैठी भगवान अपन खा गए वही बेटे पर नहीं बेट का चक्कर उठाए गए इसलिए रोक के हो गए अब वो सब चले दूसरे दिन जब आए या से रोक के आए शादी से तो आए तो कहें कि राजा सिंह अपने कमर में कहीं जाए देखी काल से छोड़ के गाही कैसे यहाँ मैं कैसे नहीं आए छोड़ के आए जल्दी आए देखी तो रोज उठा है कि रोज देखो आप भगा रहे भगवान कहाँ कर दो वही अंदर से बोली कि राजा साहब हम यही है कि हमका हमारा पखा अपना सब तबीदार आई रही रोज रह गया घर में शरीर पर कपड़ा धोना हमका कुछ रह गया पहन नहीं तो कहें काबू का दे नाम करे तो हर जीव है खाना लिया हमारा भूसक वही लिया तुम भाई लिया ऊपर अंकार गई तो कहीं कि ना ही भूसक नहीं तो वह एक चक्कर उधर हुई तो वे एक औरत के रूप में हुई हाँ औरत के रूप में हुई और खूब सुना तो राजा उनका जब चक्कर तो ऊपर डाल के जब ऐसे खड़ी थी मतलब कैसे ही काम हुए तो सब बताए यहाँ पर कि मतलब आया था मिला रही थी तो ऐसे हमारे साथ तो कहें ठीक है जा आपने मतलब बहुत सुनकर साड़ी को लाए दिखाई दिया तो हम पहनी तब हम खड़ी हुई कहीं गए जल्दी से साड़ी लाए कि पहले जो खड़ी थी वो अच्छी से अंदर लगा दिया तो कहीं कि तुम्हें कहीं वैसा था हमने पहले चार कपड़ा लगता ले आवा सब चीज़ ले आवा तो हम पहन के रखो नीचे उतरी चली अपना आपके साथ तो गए वही गहना वहना खरीद के लाए कपड़ा चूड़ी रानी सेंदूर बिल्ली सब कुछ ले आए सब पहन के नीचे उतरे जब राजा साथी हाथ पकड़ के जीना से उतरे लगे उनके सास और आंगन में खड़ी रही कहीं अरे राम रे राम इतनी सुंदर मार पटोर रही तब का है ना तू छुपाए के रखा ही मेरे यहाँ छुपाए के रखे रहा तो कहे ना ही मैं छुपाए के अच्छी बात आपका कहे भी छुपाए के रखे रहे नीचे बताने से सब कुछ बताएं सब कुछ बताएं कि बताइए पहले बकरी रही इसे रहा नहीं रहा सब कुछ कह रहे तो वह दोनों बकरी रही वह बताई कहीं उनका उनका अवसान भैया पे
वो मिला रहा हमारी महतारी अवसान माने रही हूँ तो हम बबली पैदा भाई हमारी महतारी अगर अवसान में यह कह देती तो हम औरत के रोक लेंगे माँ इंसान बन जाए नहीं है ये नहीं बने तो फिर बहन की अम्मा मेरे मत मेरे अवसान भैया तो तब बोल बोल दे हमारे बैठे होगा बुलाए दे सब फिर उनके महतारी बाप आए सब में आए तो रैया भाई फिर वही शादी फिर से कराएँ शान मियाँ की जय।